गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्टी ने बताया था कि भाई अंदर जाओ, यहाँ से डिग्लेट केव है और तुम्हें आगे का रास्ता यहीं से स्टार्ट करना है। तो हमने भी सोचा चलो यहीं से चलते हैं, और कहीं से जा ही नहीं सकते थे ना भाई, कॉमन सेंस लगाओ। और यहाँ पे हमें एक डिग्लेट मिला भाई, पकड़ना तो बनता है ना, एक को तो पकड़ ही लेंगे क्योंकि पोकेडेक्स पूरा करना है। और पोकेमोन का रैल तो बढ़ जाएगा, देखा कितने अच्छे पोकेमोन खेलता हूँ, आई मीन ग्रेट किया। एक्चुअली इसमें ग्रेट इजी होता है बहुत, और एक्सीलेंट भी। मेरी पोकेमोन थ्रोइंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैंने बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस की थी गेम की, मतलब आगे नहीं गया लेकिन प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो इतने टाइम से आ क्यों नहीं रहा था, तो गाइस मैं पोकेमोन ब्रिलियंट डायमंड को जल्दी ख़त्म करने की सोच रहा हूँ ना, तो इसलिए इतने जल्दी नहीं आएंगे इनके। हाँ, लेकिन ब्रिलियंट डायमंड ख़त्म होने के बाद बहुत जल्दी आ जाएगा। चलो इसे हटाते हैं, क्योंकि वो ल्यूटिनेंट सर्च को हराना था ना, तो इसलिए रखा था। चलो आगे चलते हैं। ओके, आई थिंक ये काफ़ी बड़ी होगी या छोटी भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, पर मेरे ख्याल से बड़ी होगी। ओके, अभी तो कुछ मिले नहीं भाई, डॉक्टरी हो तो मिलना चाहिए। अबे डिग्लेट केव में मुझे एक चीज़ बताओ, जब नाम डिग्लेट केव है तो डॉक्टरी हो तो फिर भी चलता है। अबे मैं क्या बोल रहा था भाई, पिकाचू की शक्ल देखो भाई, अबे सो रहा है क्या यार ये बंदा। ओ भाई, मुंह पे करने के बाद आया भाई, कितना क्यूट है अपना पिकाचू, तेरे जितना क्यूट पोकेमोन मुझे आज तक नहीं मिला। ओके, चॉप डाउन सीक्रेट टेक्निक है अपने पास। हाँ, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती, मैंने बस ट्राई किया। मैं सोच रहा था गाइस इसके बाल की हेयर स्टाइल चेंज होती है, कुछ बंदे कह रहे थे होती है, पर गाइस मैंने ट्राई किया कुछ भी नहीं हो रहा था। ओके गाइस, तो मैं एकदम एंड पे आ गया, और यहाँ पे एक अंकल है, इनसे बात करते हैं। ओके, फालतू बताया, चलो आगे चलते हैं। मैं पता नहीं, मुझे हर चुल्ल मची रहती है सबसे दो दो बार बात करने की, अभी वॉइस ओवर दे रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि फालतू बोला है। अच्छा, यहाँ से चलते हैं आगे, किसी सिटी का रास्ता है। ओके, एक सेकेंड, ऐसा नहीं लगता है सिटी में भाई, ये वरीडियम सिटी है ना आई थिंक। हाँ शायद, हाँ वरीडियम सिटी है, ये वरीडियम सिटी है, तो आई थिंक वहाँ से तो जाना नहीं है, और यहीं से। ओके, तो पीछे जा नहीं सकते। हाँ ओके, पीछे रास्ता है। ओ भाई, ये तो उनके असिस्टेंट है ना। हाँ उनके असिस्टेंट, तो मुझे भी पता है। ओके अच्छा, क्या दिखाना चाहते हो, हम भी चलते हैं। चलो यार अंदर चलो भाई, ड्रेस अच्छी लग रही है ना, मैं चेंज करूँगा ठीक है बाद में। ओके, ओ भाई इनने भी एक सीक्रेट टेक्निक डेवलप की है, लाइट अप आई थिंक, और सरप्राइज सरप्राइज ये पिकाचू सीखेगा, क्योंकि उसने चॉप डाउन सीखे है। मुझे पता था ना भाई, मैं तो गवार हूँ, पिकाचू को सब सीखना है। पिकाचू ना हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने चाहता, पिकाचू चाहता है कि सारी अपॉर्चुनिटी उसे मिले और हम लोग बस अपार चटनी खाते रहे, यही चाहता है पिकाचू। आपके बेटे से बात करते हैं भाई। अच्छा, मैं रॉक टनल में जाना है क्या अभी, ये कह रहा था रॉक टनल में काम आएगा तो पक्का जाना पड़ेगा। हाँ भाई हमने सीख लिया, तेरे तरह नहीं है। ओके, तू बहुत देर में आएगा। हाँ ठीक है, हमने नहीं सीखा, पिकाचू ने सीखा। हाँ चल ठीक है, ले चल, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, अगर थोड़े बहुत ट्रेनर्स होंगे तो बैटल कर लेंगे, लेवल बढ़ जाएगा, अपना ही फायदा है, चल। ओके गाइस, मैंने सोचा था कि इसके पीछे पड़ेगा, बट ये तो अपने रास्ते निकल पड़ा, तो हमने भी सोचा यहाँ पे चलते हैं। और गाइस वरेडियन सिटी नहीं, सेरुलियन सिटी। और गाइस आगे बहुत सारे ट्रेनर हैं, तो मैंने म्यूजिक लगा दिया, आप इंजॉय करो। Everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I won't ever let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Everybody knows that I'm breaking down.
Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. बताने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ. आप लोगों ने देख ही लिया होगा म्यूज़िक के साथ और मज़ा भी आया होगा. ये टीम रॉकेट का बंदा यहाँ पे क्यों है? अच्छा हाँ भाई, मैं तेरे रास्ते में आऊँगा और तुम लोग को मार के जाऊँ. अबे क्या कूद के बुलाता है साले. लग गए. भाई मेरे पोकेमोन हील भी नहीं है भाई. ओ कौन है ये? ओ भाई ओके, ये कहीं हमें, ओ भाई टीम रॉकेट को सीधे धमकी दे दी, हमें बचाने आ गई दीदी. थैंक यू दीदी जी. ओके हाँ हम कर देंगे भाई, इतने पोकेमोन हैं मेरे, उतने घटिया तरीके से भी फेंट नहीं है, मार देंगे भाई इनसे. इतना बुरा नहीं डरता, लेकिन जब चार आ जाते हैं ना तो सबको पता है भाई, सबकी फटके हाथ में आ जाती है. ठीक है, जब वो लोग आ गए थे ना चारों भाई, अगर कोई ध्यान से सुनता ना तो फटने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी. देख भाई मैंने कहा था यार मुझसे पंगा मत लो, कोई ना कोई मुझे. एक सेकेंड, आप एलाइट फोर की मेंबर हो? इनका क्या नाम है, लॉरेली कुछ ऐसा ही नाम है गाइस, मैं बता दूंगा, मुझे अच्छे से पता भी नहीं. हाँ लॉरेली है इनका नाम. हाँ यार हम बहुत टैलेंटेड हैं, अगले चैंपियन हम भी तो बनने वाले हैं. आपको क्या पता, आपको कूट के जाएंगे हम. अंटिल देन सी या, सही बोला, मिलेंगे लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जिम बैच कलेक्ट करके आपको पेल के बन जाऊंगा यहाँ का चैंपियन. और गाइस मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा. गाइस सोचो हम तो ये गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा अगर रियल गेम होता तो बंदा सोच रहा होगा भाई मैं तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ यार, ये बंदा तो व्लॉगिंग कर रहा होता. और गाइस मैं पहले सोचता था कि हम लोग रेड बन के खेलेंगे फायर रेड की तरह, लेकिन फिर मुझे पता चला है पोकेमोन येलो रीमास्टर. तुम लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा तुम्हारे दोस्त में कितना दिमाग है. और गाइस जब हम लोग इस केव में आ गए तो मेरा ही फायदा है, क्योंकि मेरे पोकेमोन की ट्रेन भी हो जाएगी और यहाँ पे इतने हिडन आइटम रहते हैं जिससे मैं माला माल हो जाऊंगा. और यहाँ पे बैग ऑफ स्टारडस्ट मिलता है ना भाई, 4000 में बिकता है, चोर बाजार में बेच के आएंगे फुल अमीर हो जाएंगे. और तुम लोग सोच रहे हो ट्रैवलर क्यों पकड़ रहे हो, क्योंकि भाई मैंने एक नया पोकेमोन पकड़ा है तो उससे लेवल अप तो करना पड़ेगा. सरप्राइज मैंने पकड़ा है एक ट्राइहॉर्न, देख लो 21 लेवल का, बाकी सब बड़े हैं लेकिन वो छोटा है, क्योंकि भाई यहाँ पे इतने लेवल के ही मिलते हैं. क्योंकि गाइस मुझे टीम में एक राइडॉन चाहिए, तुम लोगों को भी पता है भाई राइडॉन लेना काफ़ी काम का. और तुम लोग कहोगे भाई जब तू आर्टिकोनो लेगा या कोई लेजेंडरी लेगा तो कैसे रखेगा, तो भाई इसकी जब ज़रूरत होगी रख लिया करेंगे. और वैसे भी मैं इतने लेजेंडरी लेता नहीं हूँ, लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, लेकिन गाइस आर्टिकोनो तो लूँगा, मोल्ट्रिस और ज़ैपडॉस का पता नहीं. मोल्ट्रिस नहीं लूँगा, ज़ैपडॉस नहीं लूँगा, ये मार्शल आर्ट वाले भैया हैं, थोड़ा बच के चलना चाहिए. ये पोकेबॉल ले लेते हैं. ओके क्या इसमें डायरेक्ट, मुझे पता भी नहीं से क्या काम है इसका, कोई बात नहीं. पर मुझे अंकल से बैटल करनी है, क्योंकि मुझे याद आया कि मुझे राइहॉर्न को तो लेवल अप करना है ना, इसलिए मैं सबसे जानबूझ के बैटल करूँगा. जहाँ पे लगेगा कि नहीं करना चाहिए वहाँ पे नहीं करूँगा. गाइस वो मैं नीचे चेक कर रहा था, हिडन आइटम तो नहीं है. चलो ये लेते हैं यहाँ पे क्या बैग. अबे यार ग्रेट बॉल, चलो ठीक है मैं ग्रेट बॉल से सारे पोकेमोन पकड़ रहा हूँ तो लेवल मिला है. अरे क्या बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, ग्रेट बॉल खत्म हो रही है. गाइस तुम लोगों ने मेरे कपड़े देखा? हाँ मैंने आउटवेयर पिकाचू सेट का लगा लिया और हैट्स और शूज उसके लगा लिए स्पोर्ट्स वेयर के, और आउटफिट अरे पैंट बोल लो ना यार, ज़्यादा ढकुचले मुझसे नहीं होते, स्पोर्ट्स का लगा लिया. तुम लोग को समझ आ जाएगा भाई, तुम लोग में बहुत दिमाग है. एस्केप रोप मिल गई जिसका ज़्यादा कोई काम तो होता नहीं है, फिर भी रख लेते हैं भाई, फ्री का माल क्यों छोड़े है ना. यहाँ पे क्यूबोन है जो मैंने पहले पकड़ के रखा है, क्योंकि भाई मैं सब पहले पकड़ लेता हूँ. भाई इनकी हेयर स्टाइल बहुत घटिया है. और गाइस मैंने सोचा यार राइडॉन से चल के राइहॉर्न, भाई मैं भी ना कितने जल्दी बड़े बड़े ड्रीम को सोच लेता हूँ, राइहॉर्न से चलने में कितना मजा आएगा. आई मीन मैं सोच रहा था वो पीछे चलेगा पर उसके ऊपर बैठ सकते हैं, जैसे
सा ऑनिक्स के साथ था। कहा था ना बैग ऑफ स्टारडस्ट मिलेंगे, अब भाई चोर बाजार में बेचेंगे 4000 का। फिर आएगा ना था गाइस, इससे मेरा कुछ खास मन नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है यार, मेरे पोकेमॉन फेंट होने को आए, ये भी फेंट है गाइस। इस गेम का एक लॉजिक बहुत घटिया है, पोकेमॉन फेंट होने के बाद भी तुम्हारे तुम उसके ऊपर आ रहे यार, तुम्हारे पोकेबॉल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब भाई ऐसा कैसे हो सकता है, वो फेंट हो गए हैं यार, मतलब इतना समझ लो बेहोश हो गए हैं। ठीक है, तो भाई कैसे आ सकते हैं, ये लॉजिक बहुत घटिया लगा मुझे। चलो यहाँ पे पोकेबॉल लेते हैं, बैग ऑफ स्टार्डस भाई 2-3 बार मिल चुका है इससे पहले भी भाई, अब तो लखपति हो जाऊंगा मैं। नहीं 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 करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति में भी नहीं जाना पड़ेगा गाइस। मैं सोच रहा था ऐसे तैसे करके वहां से निकल जाऊं, लेकिन कोई जगह नहीं थी यार। पोकेमॉन वालों तुम लोग ना एक काम करना, मतलब ये लोग अपने गेम में स्केट्स लाते हैं नहीं तो बाइसिकल लाते हैं, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग एक गेम में स्केट बोर्ड लाओ और उससे बहुत ईजीली हम लोग स्केप कर सकते हैं ट्रेनर से। चलो हम लोग कार रॉक टाइल से निकले तो रूट 10, और गाइस यहाँ पे भी ट्रेनर्स हैं, मतलब मेरे सारे मतलब चारों तरफ से लगे पड़े हैं। और गाइस मैं किसी से भी बैटल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पोकेमॉन की एचपी बहुत कम है। दीपक फ्रॉम कश्मीर, नहीं 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 ब्रेकर्स फ्रॉम झांसी, मुझे चाचा कह जो, मुझे चाचा कह जो। हाँ गाइस तुम लोग को पता चल गया होगा मैं होगा कि मैं झांसी में रहता हूँ, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो रिवील कर देना चाहिए, फेस रिवील तो बहुत बाद में आएगा। और गाइस किन किन को लेवेंडर टाउन की स्टोरी पता है गाइस, अभी देखा था सिटी में घुसते ही वो हॉरर टाइप म्यूजिक आ गया गाइस। गेम्स का यही है, पोकेमॉन गेम्स का हॉरर म्यूजिक भी काफी अजीब होता है। और गाइस मुझे अच्छे से याद नहीं है स्टोरी, मतलब कांटो मैंने 5-6 साल पहले देखा था, किसे याद होगा, उसके बाद भी हम लोगों ने 7-8 रीजन देख लिए तो सही है तुम लोग। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म।